हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू शिक्षित कैसे हैं आप सब आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और कोरोना में सब लोग अपना ध्यान रख रहे होंगे तो फ्रेंड्स यूपीएससी ईपीएफओ के लिए हम सब तैयारी कर रहे हैं इसमें कोई शक नहीं है और पूरा जोर लगाकर तैयारी करेंगे इसमें भी कोई शक नहीं है यूपीएससी ईपीएफओ में अगर आपने नोटिफिकेशन देखी है तो एक आपका जो पार्ट आता है वो आता है सोशल सिक्योरिटी का यूपीएससी कहता है कि आपको सोशल सिक्योरिटी के बारे में बड़ पता होना चाहिए अब देखो पेपर एक ही बार हुआ है सोशल सिक्योरिटी में कई बार बच्चे कहाँ किस दिशा में जा रहे हैं मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा कि जो सिर्फ़ और सिर्फ वर्किंग क्लास से रिलेटेड जो स्कीम्स हैं उनके जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर उसको वो सोशल सिक्योरिटी में कवर कर रहे हैं पर सोशल सिक्योरिटी एज अ वेरी वाइड हो अगर आप पिछले साल के क्वेश्चन भी उठाकर देखोगे तो सोशल सिक्योरिटी में से बहुत सारे सवाल आए हैं अब सोशल सिक्योरिटी में कई बच्चे क्या कर रहे हैं वो सोशियोलॉजी की किताबें ना पढ़ने बैठ जाना ठीक है कि भाई सोसाइटी के बारे में मत पढ़ने बैठ जाना सोशल सिक्योरिटी में बेसिकली आपकी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है ना जो करंट स्कीम्स हैं या जो पिछले तीन चार पांच सालों की स्कीम्स हैं क्योंकि गवर्नमेंट तो सेम है 2014 से लेके अभी तक सरकार सेम है तो उन सरकार की नीतियों पे सवाल पूछे जा सकते हैं और ईपीएफओ के अलावा बाकी के भी अगर आप यूपीएससी जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट करता है अगर आप उन एग्जाम्स को एक बार ध्यान से देखोगे तो अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पिछले एक साल में अगर कुछ न्यूज में आया तो वही होगा अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं पहले आपको अपना स्ट्रक्चर बता देता हूं कि हमारा सोशल सिक्योरिटी का स्ट्रक्चर किस तरह से चलेगा हमारी बहुत ज़्यादा लंबे लेक्चर्स हम आपको सोशल सिक्योरिटी के नहीं देंगे क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लर्न करनी है तो हम ये चाहेंगे कि आप साइड बाय साइड इसको लर्न करते रहें साथ साथ सोशल सिक्योरिटी में डिफरेंट जो है एस्पेक्ट्स आ जाते हैं जब हम सोशल सेक्टर की बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल उसमें हेल्थ आ जाता है फिर उसमें एजुकेशन आ जाता है उसमें चाइल्ड केयर भी आ जाता है ठीक है उसमें वुमेन रिलेटेड एस्पेक्ट्स भी आ जाती हैं उसमें आपके जो वीकर सेक्शन है एस सी एस टी दलित जो भी हैं वो सब भी आ जाता है माइनॉरिटी सब आ जाता है अब हेल्थ एक ऐसा सेक्शन है जो आपकी चाइल्ड को भी इम्पैक्ट करेगा वुमेन को भी इम्पैक्ट करेगा और आपके जो है वीकर सेक्शन को भी इम्पैक्ट करेगा तो एक तरह से आप ये लगा सकते हो कि ओवरलैपिंग होगी सेक्शंस में तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे सबसे पहले हम टारगेट करेंगे हेल्थ रिलेटेड एस्पेक्ट को आने वाले कुछ समय में आपको जितनी भी वीडियोज मिलेंगी उसमें हम हेल्थ को टारगेट करके चलेंगे हेल्थ सेक्टर को टारगेट करके चलेंगे अब हम जब हेल्थ सेक्टर की बच्चों बात करते हैं तो सबसे जो पहले चीज हमारे दिमाग में आनी चाहिए वो आनी चाहिए आपकी नेशनल हेल्थ पॉलिसी ये नेशनल हेल्थ पॉलिसी दो में आई थी और इसकी जो मेन थीम थी वो थी टूवर्ड्स अल्दी टूमोरो भी अब एक इमेज में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर इमेज में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट छुपा हुआ है वो आप लोगों को जो है ध्यान में रखना है पूछा जा सकता है सीधा सीधा कि जो आपकी नेशनल हेल्थ पॉलिसी है उसकी थीम क्या थी अब मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं 2016 पता नहीं 2017 का यूपीएससी का एग्जाम था उसमें एक कोस्ट रिलेटेड क्वेश्चन था ठीक है कि पांच किलोमीटर तक किसमें पानी पीछे चला जाता है मुझे एग्जैक्टली exactly क्वेश्चन याद नहीं तो बहुत से बच्चों को वो नहीं आता था उसके बाद एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट ने एक इमेज शो की थी उसमें उन्होंने दिखाया था कि जो आपकी किटकैट होती है ना चॉकलेट होती है उसके ऊपर वो फैक्ट लगा हुआ था ठीक है तो आप यूपीएससी की जब तैयारी करनी शुरू करते हो तो आपको हर जगह नॉलेज ढूंढनी है और यहां पर भी आपके लिए नॉलेज है तो आने वाले समय में कुछ समय में आने वाले आपके पांच छह सात लेक्चर दस लेक्चर जितने भी लेक्चर होंगे वो आपके हेल्थ से रिलेटेड होंगे ठीक है उसके बाद हम डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स की तरफ विद इन टाइम चलते रहेंगे ओके okay, तो जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि आपके लिए अब रेगुलर क्लासेस आएंगी अभी दिन में तीन क्लासेस हैं और स्पेशली सिर्फ और सिर्फ ईपीएफओ के लिए हम एक एग्जाम को टारगेट करते हैं तो उसी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि ईपीएफओ के साथ साथ मैं ये भी कह दूं कि नहीं मैं पचास एग्जाम और आपके क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो से ये वीडियो, से। ये वीडियो स्पेसिफिकली आपके सिर्फ और सिर्फ ईपीएफओ को ध्यान में रख के बनाई गई है नहीं तो जनरली क्या होता है ना आप यूट्यूब पे टाइटल में भी देखोगे ईपीएफओ स्लैश एस एस सी स्लैश ये स्लैश वो हर का लेवल अलग है तो एग्जाम के लेवल को ध्यान में रख के चीजें बनाई गई है ठीक है तो ये आपका शेड्यूल है ये आपके आज से फर्स्ट जून से सेवन जून तक का शेड्यूल है थ्री थर्टी पी एम सिक्स पी और टेन पीएम ये रेगुलर क्लासेस यहां पर होंगी आप इसको जो है देख सकते हैं ओके अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं थोड़ा सा ऑफ ट्रैक जा रहा हूं तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा ठीक है ऑफ ट्रैक इसीलिए ताकि आपको उसमें बेनिफिट हो सके अब ये सारी वीडियोस हैं जो पहले बार जुड़ रहे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है जिन्होंने सब्सक्राइब किया भी हुआ है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट अपने दिमाग में जरूर रखें शेयरिंग भी आप YouTube पे जाते हैं और अगर आपको हमारा चैनल और हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आप यहाँ पर जाएंगे और या वीडियो के नीचे भी आपके यहाँ पर सब्सक्राइब का एक बटन आपको शो हो रहा होता है आप इस सब्सक्राइब के बटन को तो हिट कर देते हैं लेकिन ये सब्सक्राइब का बटन हिट करने से आपको बेनिफिट कोई भी नहीं हो रहा क्योंकि जो भी हमारी रेगुलर वीडियो डलेंगी उसमें आपको कोई अपडेट नहीं आएगा ठीक है क्योंकि आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो आपने बेल आइकन को प्रेस करना है और यहां पर यह पूछेगा कि आपको चाहिए तो आप इसको ऑल क्लिक कर दीजिएगा इससे क्या होगा आपका होगा आपका टाइम वेस्ट नहीं नहीं आपको हमारा चैनल फालतू में खोल के देखने की जरूरत नहीं है है ठीक कोई राम भगवान यहां पर नहीं बैठे रहेंगे पूरा समय जो आप यहां पर आकर इसको देखते रहो जब भी कोई वीडियो डलेगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी तो ये एक चीज करना मत भूलिएगा चलिए अब लेक्चर की तरफ वापस चलते हैं क्षमा कीजिएगा थोड़ा सा समय जो आपका खराब हुआ है यहां पर चलिए ओके okay, अब आज हम पढ़ेंगे क्या नेशनल हेल्थ पॉलिसी में सबसे पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ बिल्कुल ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देखेंगे जहां से भी हमारे क्वेश्चन निकल सकते हैं ठीक है इंट्रोडक्शन में से भी क्वेश्चन निकलेंगे कैसे निकलेंगे वो मैं बताऊंगा उसके बाद जो एनएचपी ने जो आपकी टारगेट सेट किए लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे वो देखेंगे एनएचपी ने जो चाइल्ड मोर्टैलिटी पे टारगेट सेट किए वो देखेंगे बहुत सारा डाटा आज हम पढ़ने वाले हैं इसीलिए इस वीडियो को शॉर्ट रखा जाएगा ताकि आप डाटा जो है वो याद कर सकें और डेफिनेटली एक बात आप लोग ध्यान में रखिएगा बिल्कुल भी डाटा को लिखने की वो जरूरत नहीं है पीडीएफ आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके पास लिंक रहेगा वहां जाइए और पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा ठीक है अब देखो जब हम शिक्षित में जब हम पढ़ाते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ किसी भी चीज को

तो अब आपकी जो ये नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो 2017 में आई ये 15 साल के गैप के बाद आई है 15 साल के गैप के बाद का क्या मतलब है कि पहले ये ये जो रिपोर्ट ये एक पर्टिकुलर पॉलिसी थी हेल्थ से रिलेटेड ये 2002 में आई थी और 2002 से भी पहले ये 1983 में आई थी अब सिमिलरली यूपीएससी को शौक है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछने का बच्चों स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में वो यूपीएससी आपसे इस तरह से पूछ सकता है कि द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड राइट या वो इस तरह से वर्डिंग यूज कर सकता है कि पहली बार सरकार ने हेल्थ से रिलेटेड नेशनल पॉलिसी दो में निकाली इसका मतलब इससे पहले कभी नहीं निकाली तो वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा क्योंकि हमें यहाँ पर दिख रहा है कि दो निकाली है ऐसे बहुत सारे एमसीक्यूज आपको वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए तो चिंता मत करो ठीक है अब जो आपकी दो की जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है ये मेनली एडवोकेट क्या करती है ये चाहती है कि टू थर्ड से ज्यादा जो एलोकेशन हो वो प्राइमरी केयर की तरफ एलोकेशन हो मतलब की मेनली आपके प्राइमरी केयर को टारगेट करती है ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जैसे जब हम आयुष्मान भारत की बात करते हैं आने वाली वीडियोस में आयुष्मान भारत को भी डिटेल में पढ़ेंगे तो आयुष्मान भारत आपका सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर को मेनली टारगेट करता है और जहां पर आप जहां तक आपकी नेशनल हेल्थ पॉलिसी की बात है ये प्राइमरी सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करने की बात करता है ये कहता है कि टू थर्ड रिसोर्सेज जो है वो प्राइमरी सेक्टर के पास पहुंचने चाहिए और अल्टीमेट एम इसका क्या है कि अवेलेबिलिटी शुड बी टू बेड पर थाउजेंड पॉपुलेशन मतलब हजार लोगों के मुकाबले किसी भी एरिया में उस अस्पताल में दो बेड होने चाहिए हजार के हिसाब से ठीक है तो ये भी एक आपके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि क्या टारगेट है टू बेड्स पर थाउजेंड पॉपुलेशन वो दे देगा फाइव बेड्स दे देगा टेन बेड्स दे देगा टेन थाउजेंड पॉपुलेशन बोल देगा लैक पॉपुलेशन बोल देगा लेकिन अब आप लोगों को पता है तो आप इसको इजिली आंसर कर सकते हो ठीक है ये सब इसीलिए किया जाएगा ताकि पेशेंट की जान जो है वो गोल्डन आर के समय बचाई जा सके ये एक टर्म है गोल्डन आर जो टर्म है ये अक्सर आप न्यूज में जो है पढ़ते हो ठीक है ये न्यूज में जब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन uh, की जब हम बात करते हैं रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं हाईवेज की जब हम बात करते हैं ठीक है तब भी ये टर्म गोल्डन आर जो है बहुत बार सुनने में और पढ़ने में हमको मिलती है ठीक है हाईवे में भी ये बात कर दी जाती है जो आपके मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी साहब वो भी बात करते हैं कि गोल्डन आर में कैसे हाईवे पर लाइफ बचाई जाए सो व्हाट इज दिस गोल्डन आर यू मस्ट नो वेरी ब्रीफली सो गोल्डन आर पहला घंटा होता है किसी भी ट्रॉमा या एक्सीडेंट के बाद और इस पहले घंटे में अगर पेशेंट को जो एक्सीडेंट हुआ है या कुछ भी हुआ है अगर उस पेशेंट को इस पहले घंटे में प्रॉपर और टाइमली फर्स्ट एड मिलता है चाहे वो रोड एक्सीडेंट हो या वो कोई भी चीज हो तो उसकी जान बचाने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं तो इसको क्या बोला जाता है गोल्डन आवर और इसको डॉक्टर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं हिंदी मूवीज में आपने देखा होगा बहुत बार एक लाइन होती है सॉरी हम इन्हें बचा नहीं पाए अगर आप इन्हें थोड़ा देर पहले और ले आते तो हम इनकी जान बचा सकते थे अगर आप हिंदी मूवीज देखने का शौक रखते हैं तो अक्सर यह लाइन बोली जाती है तो वो किस समय की बात कर रहे हैं कि आप अगर गोल्डन आर में इनको ले आए होते तो हम इनकी जान बचा सकते थे समझ रहे हो चलिए अब हम कुछ क्वांटिटेटिव गोल्स देखेंगे डाटा देखेंगे सबसे पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी और हेल्दी लाइफ से रिलेटेड डाटा तो सबसे पहले टारगेट क्या करता है नेशनल हेल्थ पॉलिसी की लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ जो अभी 2017 के टाइम पर 67.5 थी उसको हमने 70 पर लेकर जाना है 2025 तक ठीक है लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है कि आप जब पैदा होते हो तो इंडिया में एवरेज पर्सन जो है वो कितनी एज तक जीता है ठीक है तो एवरेज अभी इंडिया में जो कोई भी है वो 67.5 की एज तक जो है वो उसकी लाइफ रहती है तो इसको सेवेंटी तक हम बढ़ाना चाहते हैं डेवलप्ड कंट्रीज में यूएस जैसी कंट्रीज में ये एज सेवेंटी फाइव सेवेंटी एट तक भी है और इसी वजह से उन कंट्रीज में जो उनकी डिपेंडेंट पॉपुलेशन है या जो उनकी ओल्ड एज पॉपुलेशन है वो भी ज्यादा है ओके okay? उसके बाद यह बात करता है कि आप प्रॉपर ट्रैकिंग कर करिए डिसबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स की ठीक है एक ही इंडेक्स होता है डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स का आप उसको प्रॉपरली मेजर कीजिए ताकि आपको बर्डन ऑफ डिजीज पता चल सके ठीक है और उसको कैटेगराइज

ठीक है सो बेसिकली इट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ इयर्स लॉस्ट टू इलनेस डिसेबिलिटी और कि अगर बंदे को कैंसर ना होता तो ये कितनी उम्र जी लेता या अगर बंदे को हार्ट अटैक ना आया होता या हार्ट की प्रॉब्लम ना होती तो वो कितनी लाइफ जी लेता ठीक है क्योंकि इस बीमारी की वजह से उसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कम हो गई तो किस कैंसर की वजह से कितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो रही है इंडिया में अगर किसी को सत्तर साल जीना था तो अब वो साठ साल जी रहा तो हम कह देंगे कैंसर की वजह से दस साल की एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो गई तो इसी तरह आपके ये आप ये डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर कैलकुलेट करते हो ताकि आपको डिजीजेस का बर्डन पता चल सके कि बीमारियों से कितने लोग जो है वो जल्दी मर रहे हैं ठीक है, जितने अब अब देखो कोई किसी का एक्सीडेंट हो हो गया, गया वो 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 नहीं मरा, लेकिन पैरालिसिस पैरालिसिस उसको, अब की वजह से भी वो कुछ कर तो सकता नहीं बेचारा तो उसकी एक तरह से लाइफ वेस्ट हो गई तो ये भी आप डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ इयर्स में कैलकुलेट करते कि कितने हो कितने उसकी लाइफ के बिकॉज ऑफ दिस डिसेबिलिटी ऑल एंड also your national health policy talks about reducing the tfr that is your total fertility rate to 2.1 okay ab aap log mujhe comment mein batayenge ki currently this is a question and i'll be discussing it in the next lecture this is your homework ki currently abhi tfr india mein kya hai 2020 mein tfr india mein kya hai ठीक है national level के ऊपर तो 2025 तक जो आपकी national health policy है ये target कर रही है कि 2.1 पे लेके आना है

एवरेज चिल्ड्रन बोर्न टू अ वूमेन तो अगर हम 2.1 पर लेकर जाने की बात कर रहे हैं तो हम ये औरत के बस 2.1 बच्चे होने चाहिए अब आप कहेंगे कि पॉइंट्स में सर बच्चे कैसे हो सकते हैं लेकिन जब हम नेशनल एवरेज निकालते हैं तो पॉइंट्स में हो सकते हैं ठीक है ऐसा नहीं है कि बच्चे को कुछ मतलब हाँ ठीक है ना उसमें मत जाना तो टू हमें एवरेज लेकर जानी है तो एवरेज बच्चे जो एक औरत के पास बॉर्न होते हैं इन द इन द चाइल्ड बेयरिंग एज ऑफ दैट पर्टिकुलर वुमेन ओके तो वो आपका टोटल फर्टिलिटी रेट होता है अब बात कर लेते हैं मोर्टेलिटी की तो मोर्टेलिटी में अंडर फाइव मोर्टेलिटी कम करने की बात कर रहा है ठीक है और ये इसका टारगेट है कि 23 पर थाउजेंड लाइव बर्थ्स पर लेकर जाया जा सके लाइव बर्थ्स बेसिकली क्या होता है अगर हम लाइव बर्थ्स को डिफाइन कर सकें व्हेन अ चाइल्ड इज बॉर्न ठीक है देखो जब बच्चा पैदा होता है तो दो चीजें हो सकती हैं इधर ही इज बोर्न लाइफ और समटाइम्स एज यू सी इन न्यूज और मूवीज अ डेड चाइल्ड इज बोर्न ओके सो ओनली हेयर लिविंग चाइल्ड आर टेकन इन टू पिक्चर द चाइल्ड हु वॉज ब्रीदिंग एट द टाइम ही वॉज सेपरेटेड फ्रॉम हिज मदर वाइल बर्थ राइट वो जो रॉड uh, होता है जो एम्बिकल होता, होता है उसको जब कट कर देते हैं इफ ही इज लिविंग एट दैट टाइम देन इट विल बी कॉल्ड एज योर लाइफ बर्थ तो अंडर फाइव मोर्टेलिटी रेट को ट्वेंटी थ्री तक लेकर जाना चाहता है ठीक है और अभी जो करंटली अंडर फाइव मोर्टेलिटी का रेट है दैट इज थर्टी सेवन एंड लेटेस्ट डेटा वॉज ऑफ टू थाउजेंड एटीन सो दिस ऑल्सो इज इंपॉर्टेंट फॉर यू बोथ वट इज द टारगेट एंड बोथ वॉट इज द करंट सिनेरियो टू रिड्यूस द मेटर्नल मोर्टैलिटी रेट मेटर्नल मोर्टैलिटी रेट इज जो मदर्स की डेथ हो जाती है, तो अभी जो है उससे ये हंड्रेड पर लेकर जाना चाहता है पर वन लैख ठीक है पर वन लाख डिलीवरी हंड्रेड पर ये एमएमआर को लेकर जाना चाहता है बाई टू जो आपका प्रेजेंट इ है ठीक है तो अगर आप देखो अब जब आप Mortality rate calculate करते हो तो थाउजेंड births बर्थ करते हो और जब आप करते हो तो वन calculate करते हो तो ये भी आपको माइंड में रखना है 2017 में जब ये नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई तब 145 था हमारे यहाँ पर एम एम उसके बाद इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट रिड्यूसिंग योर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट टू 28 per पर थाउजेंड लाइफ बर्थ ओके ये 2018 के डाटा के हिसाब से 30 था और ये 2019 तक जो है टारगेट अचीव करना था अब आपका IMR बेसिकली होता क्या है है इज द नंबर ऑफ पर बर्थ ठीक जो भी हजार बच्चे जिनका जन्म हुआ उनमें जिनकी मृत्यु हो गई तो उसको आप क्या कहोगे इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट ओके और ये बच्चे होते हैं अंडर वन ईयर ऑफ एज जिन बच्चों की एक साल की उम्र होने से पहले पहले उनकी मृत्यु हो गई दूसरा िटी रेट को कम करने की बात करता है सिक्सटीन का टारगेट अचीव करने की बात करता है पर स्टिल बर्थ रेट को सिंगल डिजिट पर लेकर जाना चाहता है बाय 2025 थाउजेंड ट्वेंटी फाइव नाउ वॉट इज दिस न्यू नेटल मोर्टेलिटी एंड स्टिल बर्थ न्यू नेटल मोर्टेलिटी इज बेसिकली इफ अ चाइल्ड डाइज विद इन ट्वेंटी एट डेज ऑफ इट्स बर्थ ठीक है एक महीना भी पूरा नहीं हुआ अट्ठाइस दिन पहले ही अगर उसकी मृत्यु हो जाती है बच्चे की जन्म के बाद तो उसको क्या कहेंगे आप न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट फिर आता है आपका स्टिल स्टिल बर्थ रेट। स्टिल बर्थ रेट रेट की जो है, जो डेफिनेशन है है डब्ल्यूएचओ रिकमेंड करता इट रिकमेंड्स इंटरनेशनल कंपैरिजन वेयर बेबी बॉर्न विद नो साइन ऑफ लाइफ और एट आफ्टर 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन जेस्टेशन यू कैन से प्रेगनेंसी तो अगर 28 हफ्तों के बाद अगर अभी बच्चे का जन्म नहीं हुआ है वो अभी आ, मदर के वॉम में ही है और वॉम्प में ही उसकी अगर डेथ हो जाती है वोम में ही उसकी वॉम्प या वोम जो भी आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं ठीक है ठीके? अगर वोम में ही इसकी डेथ हो जाती है बच्चे की व्हाट यू विल से दैट इट इज योर स्टिल बर्थ जन्म से पहले ही मृत्यु हो जाना ठीक है तो इसको सिंगल डिजिट तक लेकर जाना चाहता है बाय 2025 तो अगर आप देखो एक चीज यहाँ पर आपने जो बहुत ध्यान से अपने दिमाग में रखनी है कि बाकी सारे जो है थाउजेंड लाइफ बर्ड्स के हिसाब से हैं लेकिन आपका एमएमआर जो है वो थाउजेंड सॉरी वन लाख लाइफ बर्ड्स के साथ होता है ठीक है ये आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद में रखना है एग्जामिनर यहाँ पर आपको कंफ्यूज कर सकता है ठीक है बच्चों तो यही था डाटा बहुत ज्यादा है इसीलिए बहुत ज्यादा कंटेंट आपको एक साथ नहीं देंगे लेकिन कंटेंट सारा देंगे और यूट्यूब पर फ्री में ही रहेगा उसकी भी चिंता मत कीजिएगा पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जैसे कि मैंने बताया कि बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे अब तो डेली मिलना हमारा चलता ही रहेगा कल आपकी जो दस बजे आपको क्लास मिलेगी उसमें हम एम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के एम डिस्कस करेंगे अगेन हिस्ट्री के एम भी हम जनरलाइज वे में नहीं लेकर आते हैं ईपीएफओ के एग्जाम जो पूछे जा सकते हैं वो स्पेशल आपके लिए लेकर आएंगे ऐसा नहीं है कि आईएएस वाले क्वेश्चंस ये आपको ईपीएफओ के एग्जाम में भी डाल दें लेवल हैज़ टू बी मेंटेन ओके सो थैंक यू वेरी मच बच्चों ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर कोरोना में अपने आप को सेफ रखना हेल्दी रखना बाय बाय